Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं आजकल की लड़कियों के अजीब मसले है। और ये वीडियो है भाई अहमद खान। क्यों यार हमारे तो प्रॉब्लम्स मतलब अजीब कैसे हैं, सब लोगों के जैसे होते हैं ना। तो हाँ देखेंगे, और सिर्फ आज अहमद खान के पॉडकास्ट में बरकत उसमें सिर्फ ये दोनों ही है, कोई और गेस्ट आए नहीं है शायद, लेकिन सिर्फ ये तीन लोग ये तो मजा आता है, मैं सच्ची में बोल रही हूँ। सो लेट अस सी अहमद खान का पॉडकास्ट, हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। मैंने एक चीज नोट की, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है? और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे, सर सर बताओ तुम लड़की हो ना। मैं लड़कों को स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ, मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, लड़कों लड़कियों की फीलिंग से मत खेलो, जो खेलने वाली चीज है उससे खेलो। मतलब बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, वॉलीबॉल खेलो। हाँ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं। हाँ। ये जो हल्का फुल्का टक बिस्किट होता है ना। हाँ, हाँ। इसमें 32 सुराख होते हैं। हाँ। तो वैसे ही फारिग बैठा था, मैंने कहा गिन लूं। ये क्या? दो औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कह लेंगी चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए और ये अभी तक यही कहता है बाजी दुपट्टा उठा ले टायर में आ जाएगा। लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई कल मैंने घर बैठे बैठे 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिए। कैसे? कह रहा मेरे घर कोई नहीं था ना, मैंने पंखा उतार के बेच दिया। एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है, तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे? क्या? कि हमारा बच्चा है गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। ये वो एक बंदा जा रहा था, मैंने कहा यार आपका कुत्ता शेर की शक्ल का लग रहा है, कहने भाई ये शेर ही है, इश्क में पढ़ के कुत्ते जैसी शक्ल हो गई है। आजकल या परसों कोई भी बंदा 7-8 करोड़ की गाड़ी में से उतरे और आपको गले लगा कर बोले मैं आपका खादिम हूँ, समझ लीजिए इलेक्शन आने वाले। ये मैसेज यार हमने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि ये बिजली जो है पानी से बनती है। बिल देख के ऐसा लगता है देसी घी से बनती है। भाई अगर कोई कहे ना कि मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, तो मैथ की किताब उसके मुंह पे फेंक के मारो के हल कर। क्या बात है, क्या बात है यार, अपनी जोक की बात यार। बात पता है क्या है, जब मैं कोई जोक सुनाकर अपनी माँ को हंसाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत मुस्कुरा रही है। कि वक्त बहुत जालिम है, तजुर्बा दे के मासूमियत छीन लेता है। हाय 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 हाय, खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की अदाओं से। ये तीसरी वाली यार, वाह। हाँ ना, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला है कि डबल मास्टर किया है। हाँ बोला यार पहला लंबा नहीं होता, डबल मास्टर किया उसने, पहला सही नहीं हुआ। हाँ, डबल मास्टर किया। हाँ। ना, मास्टर उसकी डबल दो ही करने चाहिए। हाँ। 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 Assalamualaikum, उस्मी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई। साल 2024 का पहला महीना गुजर चुका है ऑलमोस्ट, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक थे मेरे जहन में, क्या तो मैंने जरूरी समझा कि आपसे डिस्कस कर लूं आज। जी जी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स, बेसिकली प्रॉब्लम्स, बैड लक। ये बैड लक अभी भी चल रही है आप लोगों की? अरे भाई कोई ऐसी वैसी बैड लक? हाँ। मैं तो बादाम पे हथौड़ा मारता हूँ ना, तो बादाम सोफे के नीचे घुस जाता। देखो यार मेरी बैड लक सुनो यार, मैं 2 साल से लिडो खेल रहा हूँ, छक्का ही नहीं आ रहा। और जब छक्का आता है तो उस दिन आप घर पे नहीं होते। नहीं मैं आपको बैड लक बताऊँ ना, आप यकीन करें, मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं बिरयानी देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। यार मैं पानी देखता हूँ मेरे मुंह में बिरयानी क्यों नहीं आती? आए, आए, ये आए, प्रॉब्लम है ना यार, ये प्रॉब्लम है। आपकी तरह जो बिरयानी पे नहीं है। हाँ। पुरियानी पे। हाँ। अच्छा ये भी होता है कि बैड लक में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेट्रोल पंप पे गए, दो लाइनें लगी हुई, एक छोटी एक बड़ी, आप छोटी वाली में लग गए तो अचानक बड़ी लाइन तेज हो गई। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जिस दिन आप गाड़ी सर्विस करवा के निकले ना, सामने एक ऐसा रास्ता आता है जिसपे गटर का पानी बह रहा होता है, और जाना आपको उसी गली में होता है, और कहीं और से आप जा नहीं सकते। अच्छा। और ये भी होता है कि क्या कहते हैं, आप रोटी लेने जा रहे हैं तंदूर पे ना, तो आपने देखा सिर्फ 2 बंदे खड़े में, तंदूर खाली है, आप जैसे ही गए तो आपने आगे वाले से पूछा आपकी कितनी रोटियां हैं? 200। बोला हाँ 45 रोटियां, 200 रोटियां, पौने घंटा बर्बाद।
पे यार। तो ये तो हो गया टॉपिक बैड लक, है ना। दूसरा जो टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है, मतलब 50 साल भी कोई हमारा शो लगा के देखेगा तो नया टॉपिक होगा, ये लड़के लड़कियां एक दूसरे से खेलना। हाँ। लड़कों का लड़कियों से एक दूसरे से खेलना। देखिए मैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा और इस बात पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी डिसेंट मैसेज आई हैव टू कन्वे देम। मैं लड़कों को स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ, मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, लड़कों लड़कियों की फीलिंग से मत खेलो, जो खेलने वाली चीज है उसे खेलो। हाँ, मतलब बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, लूडो खेलो, लूडो खेलो। जरूरी थोड़ी कि आप किसी के जज्बात के से, किसी के एहसासात से, किसी के एनवायरनमेंट से खेल रहे हो। यार वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यार। लेकिन अभी आपने बात की लड़के लड़कियों की, तो लड़के और लड़कियों की शादी भी होती है, खुशहाल भी रहते हैं उसमें। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए। कल मेरी बीवी भी मुझसे कह लेंगे, देखें 16 साल हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। मैंने कहा सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को नहीं। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ और दिल से कहना चाहता हूँ ये बात। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर जो है वो बीवी है, जो सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती है, और यकीन करो सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही होती है। ये तो कड़वा सच, बरकत भाई कड़वा कड़वा सच है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं। ये जो हल्का फुल्का टक बिस्किट होता है ना, इसमें 32 सुराख होते हैं। आपको एक बात बताऊं, बिस्किट से हमने ये सबक हासिल किया कि किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। मर्द और औरत की हो रही थी। बैक टू द टॉपिक। अच्छा मैं वही, मैं बात हम वहां से जुड़ेंगे जहां से सिलसिला हमारा टूटा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर औरत भी गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू कर देना, अगर औरत भी गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू कर दे तो मर्द सिर्फ किताबों में ही मिलेंगे। और आपको एक बात पता है, तीन किस्म की औरतों से बहस नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, जो आपसे उम्र में बड़ी हो। ओके। नंबर टू, जो आपसे उम्र में छोटी हो। और नंबर थ्री, जो आपकी हम उम्र हो। अच्छा तो फिर बदतमीजी करें किससे? आपस में करो, आपस में। कोई नहीं, कोई अरेंज करें। क्या करें यार, आपने ये जो बात की ना, देखो यार एक बरसों से ये ख्वातीन पर, औरतों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि औरत के पास दिमाग नहीं होता। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि औरत के पास दिमाग नहीं होता। चलो औरतों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो हर रिश्ता दिल से निभाती है। यार मैं, मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी माँ बोलती है बेटा औरतों में बात कर, औरतों के हक में बोला कर, क्योंकि तू एक औरत का बेटा है। मर्द के भी तो बेटे, ये भी तो औरतों के हक में बोलता हूँ। दो औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कह लेंगी चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। देखो यार बातें खत्म नहीं हुई, 20 साल कैद में रही है 20 साल। और एक ही जगह, एक ही जगह। यार उसमें भाई, ये बरकत भाई को क्या हुआ है, इतनी औरतों की साइड ले रहे हैं। मुझे डर है कहीं ये मुझे वो फेमिनिस्ट वाला वो होता है ना मार्च, उसमें कहीं आप मुझे पोस्टर पकड़े पे नजर ना आ जाए, और आपके पोस्टर पे क्या लिखा होगा इनके पोस्टर पे? मेरा जिस्म मेरे पंजीज मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी चर्बी। वो तो एक तरफ से ना, सिर्फ एक तरफ, मतलब पेट आपका पेट बड़ा है ना, पेट है ना मेरा भाई। बरकत भाई के सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए और ये अभी तक यही कहता है बाजी दुपट्टा उठा ले टायर में आ जाएगा। भाई एक मजार में ना। ओके यार बहुत मजेदार है। मैं मैंने बोला ना, जब सिर्फ उद्मी बरकत और अहमद खान हो तो ना बहुत मजा आएगा। सो दैट इज व्हाई बस ये तीनों होने चाहिए यार पॉडकास्ट में, बहुत मजे आते हैं। मतलब उनकी जो बातें होती है ना सिंक होती है एक दूसरे से, उनको मतलब अगर डबल मीनिंग बातें भी निकलती है ना ऐसे फ्लो में चली जाती है। आई जस्ट लव दैट। और वो जो लास्ट में बोला है कि बात आपका दुपट्टा उठा टायर में चला जाएगा। ओह यार ठीक है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।